हाय एरीज, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज तारा एंड आज हम जोडियाक रीडिंग कर रहे हैं. ये रीडिंग एरीज के लिए है. सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी. और मेरा आपको भी यही सजेशन है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने सन मून और राइजिंग तीनों साइंस की रीडिंग ज़रूर देखें. ओके, अगर कोई कन्फ्यूजन है सन मून राइजिंग क्या होता है तो आप एक बार गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, आपको क्लियर हो जाएगा. फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कन्फ्यूजन दूर करूं. ओके, इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 15th to 31st of August है. ओके, एंड विद ऑल द गुड एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. मैं एक थीम कार्ड पुल करने वाली हूँ एरीज आपके लिए एंड मैं कैमरा पर ही शफल करूंगी. मीनवाइल मैं शफल कर रही हूँ, आप अपनी एनर्जी इस शफलिंग में ज़रूर डालें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है जिसके लिए आप गाइडेंस चाहते हो. ओके, एंड प्रे टू द डिवाइन कि आपको ज़रूर गाइडेंस मिले आपकी कन्फ्यूजन के लिए, आपके डाउट के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए. थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मैसेजेस. एरीज, तो एरीज आपका थीम कार्ड आया है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी. ड्रम एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्रम का कार्ड है ना, ड्रीम एंड जर्नी, आई थिंक ये बहुत से लोगों के लिए इंटरनल जर्नी का एक इंडिकेशन है. अगर आप कोई इंटरनल शैडो वर्क, स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से रिलेटेड हैं और कोई शैडो वर्क या इनर वर्क आप कर रहे थे, तो आई थिंक उसमें एक सक्सेस के, ये जिसे कहते हैं ना कि सक्सेस लेके आ रहा है आपके लिए. एंड ड्रम का एक मीनिंग ये होता है, जब भी ड्रम आपने सुना होगा तो मुझे ड्रम से याद आता है कि शमानिक ड्रमिंग्स. तो अगर आप किसी तरीके की हीलिंग प्रोसेस में हो तो शमानिक ड्रम्स या ड्रम बीट्स, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शमानिक ड्रम्स में आप देखोगे ये एक मान्यता है कि मदर अर्थ का जो दिल धड़कता है वो उस हिसाब से उस ड्रम को बीट करते हैं. तो आई थिंक आपको मदर अर्थ से ड्रमिंग के थ्रू कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है. ये भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है कि आप ऐसा सोचो कि आपका हार्ट और मदर अर्थ का हार्ट कनेक्टेड है और आप उस तरीके से आपकी हार्ट बीट अर्थ के साथ, मदर अर्थ के साथ बीट हो रही है. तो ये बहुत ही डीप मेडिटेशंस होती हैं. हो सकता है आपकी हीलिंग प्रोसेस में ये पर्टिकुलर मेडिटेशन आपको हेल्प करे. और इस पीरियड में ये जो टाइम फ्रेम है इस रीडिंग का, इसमें आप क्यूरियस हो कि आप ये कुछ ना कुछ ड्रम्स आपको अट्रैक्ट करें या शमानिक ड्रम्स, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जो आपको हील करे, आप आइडेंटिफाई कर पाओ ऐसी फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो ये बहुत ही एक डीप मैसेज, बहुत लोगों के लिए काफ़ी डीप मैसेज आया है. मैं बहुत हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनके लिए इतना गहरा मैसेज आया है. बट दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. आप ज़रूर इस चीज़ पे काम करो. ये जो आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है ना, मदर अर्थ की हार्ट बीट के साथ आप सिंक्रोनाइज होके अपनी हीलिंग करो, ये कुछ लोग के लिए मैसेज है. ओके, बहुत डीप मैसेज है. अभी देखते हैं एरीज के टैरो से क्या गाइडेंस है. तो एरीज आपके लिए कार्ड है 10 of Pentacles, अल्टीमेट हैप्पीनेस, जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, इमोशनल अबंडेंस भी है, फैमिली साथ में है. ओके, लॉयल्टी दिख रही है, केयर दिख रही है, तीन जनरेशंस दिख रही हैं, एक घर दिख रहा है, पुश्तैनी घर दिख रहा है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कार्ड है. आपको कोई पेरेंटल कोई फाइनेंसिस में हेल्प मिल सकती है या फिर आपको एक गेट टुगेदर फैमिली का मौका मिल सकता है इस वाले टाइम फ्रेम में. टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि एक जगलिंग का कार्ड है. इट इज़ नॉट ऑलवेज कम्फर्टेबल. तो अगर आप किसी फाइनेंशियली किसी डिफिकल्ट पोजिशन में थे ना, आई थिंक ये 10 of Pentacles उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आया है कि कुछ अगर आप हेल्प मांगोगे ना फैमिली से भी, तो आपको वहाँ पे हेल्प अवेलेबल होगी.
ओके ये कुछ लोग के लिए मैसेज हो सकता है फाइनेंसिस के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी हमें फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादा डिपेक्ट करती है. एंड द लवर्स, अब लवर्स और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये डुअलिटी की एनर्जी है, डबल डबल, राइट, टू एनर्जीज आ रहे हैं. लेकिन लवर्स का कार्ड स्पेसिफिकली, अगर सिर्फ लवर के कार्ड की हम बात करें, तो कोई क्रॉस रोड्स डिसीजन जहाँ पे आपको दो चीज़ों में डिसीजन लेना है, ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर सकते हो जो कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहाँ पे चीज़ें बहुत अभी क्लियर नहीं हैं. अगर ये पर्टिकुलर लव सिचुएशन है कुछ लोग के लिए, अगर ये लव सिचुएशन है क्रॉस रोड वाली, तो आई थिंक अभी आप या फिर आपके पर्सन कोई तो दोनों में से डिस्ट्रैक्टेड हो, दोनों इक्वल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्शंस है अभी. ओके एक बार क्लैरिफायर्स देखते हैं. The Emperor, wow, Three of Swords and the Temperance. और Temperance और ये वाले जो Angel हैं ये almost equal होते हैं, तो angelic आपके vibes बहुत मिलेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि आपके angels आपको communicate करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप एंजल नंबर्स आपको डिफरेंट तरीके के दिख सकते हैं. तो आप एंजल नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एंजल्स कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके तो आप थोड़ा अपना, जब भी ये एंजल नंबर्स दिखाई दे तो आप अपने जो थॉट चल रहा है आपके मन में, आपके माइंड में, उसको थोड़ा ध्यान दो, पे अटेंशन टू दैट. एंड मान लीजिए आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आप उनका मीनिंग भी पूछ सकते हो एंजल से, किस रीज़न से. जब आप मेडिटेशन करते हो या प्रेयर करते हो उस वक्त आप इंटेंशन रख के मेडिटेशन या प्रेयर में बैठो कि ये मुझे एंजल नंबर, लेट्स से 111 दिखा है, तो इस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस है मेरे लिए. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली अगर कुछ लोग के हार्ट रिलेटेड इशू थे ना, क्योंकि यहाँ ड्रमिंग से ऐसे बीट बीट पता चलती है, हार्ट बीट, तो उसमें एक सुधार है. अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज किसी के थे, कार्डियक हार्ट रिलेटेड इश्यूज, उसमें एक सुधार है, उसमें एक स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट और हीलिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर मैसेज है ये. यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एम्परर के साथ आए हैं, तो ये बहुत स्टेबल पैसे की बात बोल रहे हैं. अगर यहाँ पे आपके पास्ट में कुछ ऐसे इशू रहे भी हैं या प्रेजेंटली चल भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें चेंज है, उसमें चेंज है, क्योंकि एम्परर इज वन के जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल भी रिसोर्सेज का कार्ड है, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एक एनर्जी आई है बहुत सारे एरीज के लिए. 3 ऑफ सोड्स और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लग रहा है कि फाइनेंसिस के मामले में कोई बड़ा तकलीफ में रहा हो, जैसे पास्ट में सिचुएशन बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे. लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का आने का मतलब है कि अगर इस एनर्जी में थे या हो तो यहाँ पे एक चेंज है. और मैंने आपको कहा मैनिफेस्टेशन और हीलिंग का कोई काम कर रहे हो तो ये बहुत पोर्टेंट टाइम है आपके लिए. तो अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन भी ट्राई करना चाहते हो ना, तो इस टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ आप करो, मेडिटेशन के थ्रू, किसी एफर्मेशन टेक्निक के थ्रू, कुछ भी आप ट्राई करो. एंड यहाँ लवर्स और टेम्परेंस में जो ये दोनों ही कार्ड ना बैलेंस के कार्ड हैं, दोनों में ही एंजल्स हैं, तो एंजल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा मॉडरेशन लाओ, आप चीज़ों को बैलेंस, यहाँ पे भी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो बैलेंस में नहीं है. तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों में बैलेंस लाओ. अगर ये लव रिलेशनशिप है, मान लो आप बहुत इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आप उस ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो दोनों एक्सट्रीम अच्छी नहीं है, एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, और टेम्परेंस की एनर्जी तो वैसे इतनी हीलिंग एनर्जी होती है, ऐसा लगता है कि टेम्परेंस में आके एंजल राफियाल ही हैं जो हीलिंग कप लेके, यू नो, हीलिंग वाटर मिक्स कर रहे हैं. तो बहुत से लोगों के लिए हीलिंग है बहुत अच्छी, बहुत क्लियर तरीके से. हो सकता है फिजिकल हेल्थ की हीलिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि हर्ट से रिलेटेड इशू है. अगर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हीलिंग है. ठीक है, तो एंजल्स का आने का मतलब है कि हीलिंग ज़रूर आ रही है. यहाँ पे ड्रम से मुझे 4 नंबर की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है. 4
देखिए आपके लिए 4 नंबर किस हिसाब से आपसे रेजोनेट होता है, या तो 444 एंजल नंबर भी हो सकता है, या फिर आपको आई थिंक 4 मुंह का दिया लगाना, 4 मुंह का दिया लगाते हुए मेडिटेशन या प्रेयर करना, वो भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का नंबर होता है 4। नींव, एक मजबूत नींव दर्शाता है नंबर 4। ओके, तो ये भी कुछ प्रैक्टिस कुछ लोग कर सकते हैं, 4 मुंह वाला दिया लगाने की। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस थे एरीज आपके लिए टैरो से। अभी देखते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन कौन सी आ रही है। अफर्मेशन फॉर एरीज, 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 एरीज। दो ही लेंगे। पहली अफर्मेशन है, आई एम मेकिंग अ डिफरेंस एंड आई चूज टू स्टॉप वरिंग, स्ट्रेसिंग एंड ड्वेलिंग ऑन नेगेटिविटी। तो एरीज, आप ये इन एफर्मेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, अपनी जर्नलिंग डायरी में भी लिख सकते हैं। और मैं आपको इंक्रेज करूँगी कि आप ये एफर्मेशन 21 डेज तक ज़रूर रिपीट करें, 10, 20, 30, 50, जैसा आपको अच्छा लगे, जितने टाइम, बट 21 डेज तक ज़रूर करनी होती हैं। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों करनी होती है। ऑलराइट, तो और मुझे ज़रूर आके बताएं कि आपको इन अफर्मेशन से जो भी आपका इशू था, क्या आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हेल्प हुआ, और इस रीडिंग से आपको कुछ अगर मैसेजेस या कुछ गाइडेंस या हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, पसंद करेंगे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, मैंने सभी साइंस की रीडिंग अपलोड की है, तो शायद उनको भी कुछ हेल्प या गाइडेंस मिले। आपको मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल गाइस, टेक केयर एंड कीप योर वाइब्रेशंस हाई। ओके, बाय बाय।